आप इन्हें आधुनिक भारत के शिल्पकार यानी कि आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया के रूप में जानते हैं। डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और नॉन अलाइनमेंट इनके चार स्तंभ रहे हैं। 11 बार इनका नाम नोबल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट हुआ है। देश की आज़ादी के लिए वह 9 साल जेल में भी रहे। भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। नेहरू जैसा प्रतिभाशाली, दूरदर्शी और डायनेमिक लीडर भारत को शायद फिर कभी नहीं मिला। उनके व्यक्तित्व को एक वीडियो में उतारना उतना ही मुश्किल है जितना एक घड़े में समंदर को। फिर भी हमने कोशिश की है कि उनके जीवन के तकरीबन सभी बड़े पहलू हम आपके सामने रखें। नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1899 में अलाहाबाद में हुआ। जवाहर के पिता मोतीलाल नेहरू थे, जो भारत के बड़े वकीलों में शुमार थे और कांग्रेस के दिग्गज नेता भी थे। मोतीलाल कश्मीरी पंडित थे और नहर के पास घर होने के कारण उनको नेहरू कहा जाने लगा। नेहरू परिवार बहुत ही अमीर खानदान था, इसलिए जवाहर की स्कूलिंग हैरो इंग्लैंड में हुई। 1910 में ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में ग्रेजुएशन, इसके बाद इनर टेम्पल लंदन से वकालत की। 1912 में जवाहर भारत आ गए और अलाहाबाद कोर्ट में ही वकालत शुरू की। 1916 में कमला देवी से इनकी शादी हुई और 1917 में इंदिरा प्रियदर्शनी का जन्म हुआ। जवाहर शुरू से ही देश की राजनीति में दिलचस्पी रखते थे। नेहरू 1912 में जब से भारत आए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की गतिविधियों में लग गए थे। इनको रेडिकल नेता कहा जाने लगा और वह अपने पिता मोतीलाल नेहरू और गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे, उनका भी विरोध करने लगे थे। वह कहते थे कि नरम रवैये से देश आज़ाद होने वाला नहीं। वह गांधी जी से 1916 में मिले और अंत तक वह दोनों साथ ही रहे। 1920 में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, जिसमें जवाहर को उत्तर प्रदेश आंदोलन का मुखिया चुना गया। इसी आंदोलन में पहली बार वह जेल गए। पहले वह 88 दिन के लिए जेल गए। उसके बाद 1922 में उन्होंने तकरीबन 2 साल जेल में गुजारे। चौरा चौरी इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया तो कांग्रेस में टूट हुई। नई पार्टी बनी स्वराजिस्ट। जवाहर के पिता मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने पार्टी बनाई, लेकिन जवाहर गांधी के साथ ही रहे, कांग्रेस के साथ रहे। 1923 में जनरल सेक्रेटरी बने। नेहरू ही वह पहले नेता थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज की बात की। 1928 तक कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस की मांग ही करती रही। आखिर 1929 में नेहरू कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने और 26 जनवरी 1929 को कांग्रेस के लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की। इसीलिए 26 जनवरी को 1947 तक आज़ादी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 1929 में एक यूपी के यंग लीडर से नेहरू देश के बड़े नेता के रूप में उभरे। ऐसा नेता जिसकी बात गांधी जी भी मानने लगे थे और ऐसा नेता जो गांधी जी को पब्लिकली क्रिटिसाइज भी कर देता था। 1930 में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया। इस दौरान नेहरू को काफी टाइम जेल में रहना पड़ा। 1930 से 1934 तक लगभग नेहरू जेल में ही रहे थे। 1937 में नेहरू के नेतृत्व में देश में कांग्रेस ने प्रोविंशियल इलेक्शन में बड़ी जीत हासिल की। सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। इसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए, नेहरू भी जेल गए। इसी दौरान उन्होंने अपनी सबसे बेहतरीन किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत एक खोज लिखी। इसके अलावा इनकी अन्य प्रसिद्ध किताबें हैं एन ऑटोबायोग्राफी, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, लेटर फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर। इनकी किताबों से पता लगाया जा सकता है कि नेहरू कितने समझदार थे, कितने जानकार थे, कितने दूरदर्शी, और उन्होंने पहले ही देश को दिशा देने की नीति तैयार कर रखी थी। और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने ये करके भी दिखाया। 1946 में नेहरू को भारत की अंतरिम कैबिनेट का अध्यक्ष चुना गया। यहाँ एक किस्सा मशहूर है। कहा जाता है कि कांग्रेस ने तो पटेल को चुना था, लेकिन गांधी जी के दखल के बाद ही नेहरू को प्रधानमंत्री यानी कि कैबिनेट का नेता चुना गया था।
इसी वजह से यह सवाल उठता रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री होना चाहिए था। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर पटेल प्रधानमंत्री भी होते तो सिर्फ 2 से 2.5 साल ही प्रधानमंत्री रह पाते, क्योंकि 1950 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू के रिश्तों की। आज की राजनीति जितनी कड़वाहट इन दोनों में दिखाती है, असल में वैसा था नहीं। दोनों ही महात्मा गांधी के सिपाही थे, दोनों भाइयों की तरह रहते थे। गांधी जी की मृत्यु के बाद भी इनका साथ नहीं टूटा। 1 अगस्त 1947 को नेहरू ने पटेल को एक चिट्ठी लिखी। कुछ हद तक औपचारिकता निभाना जरूरी होने से मैं आपको मंत्रिमंडल में सम्मिलित होने का निमंत्रण देने के लिए लिख रहा हूँ। इस पत्र का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आप तो मंत्रिमंडल के सुदृढ़ स्तंभ हैं। जवाब में 2 दिन बाद 3 अगस्त को पटेल लिखते हैं, आपके 1 अगस्त के पत्र के लिए धन्यवाद। एक दूसरे के प्रति जो हमारा अनुराग और प्रेम रहा है तथा लगभग 30 वर्ष की हमारी अखंड मित्रता रही है, उसे देखते हुए औपचारिकता के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। आशा है कि मेरी सेवाएं बाकी के जीवन के लिए आपके अधीन रहेंगी। ये पत्र अपने आप में ही दर्शाता है कि नेहरू और पटेल के रिश्ते कैसे थे। पटेल की मृत्यु के बाद उनके दोनों बच्चों को राजनीति में नेहरू ही लाए। वह दोनों सांसद बने और मनुबेन पटेल, जो उनकी बेटी थी, कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट भी बनी। अंग्रेजों ने आजादी का खाका तैयार किया तो उन्होंने प्लान किया कि यूनाइटेड प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी जाए, प्रिंसली स्टेट्स को अलग देश बना दिया जाए, यानी भारत में बहुत से छोटे छोटे देश बन जाएं। लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध किया और कहा, हमें ऐसा देश नहीं चाहिए, हम जिस देश के लिए लड़े थे हमें पूरा अखंड भारत चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम फिर से आंदोलन करने को तैयार हैं। वैसे में तो अंग्रेजों से जीत गए, लेकिन पाकिस्तान बनाने से नहीं रोक पाए। 1939 में मुस्लिम लीग ने जब से पाकिस्तान बनाने की मांग की थी, तब से ही देश भर में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे थे। और जैसे ही आज़ादी पास आने लगी तो दंगे और भी ज्यादा बढ़ने लगे। मुस्लिम लीग देश को गृह युद्ध की तरफ धकेल रही थी। ऐसा लग रहा था अगर पाकिस्तान ना बना तो पूरा देश कब्रिस्तान बन जाएगा। मुस्लिम लीग और कुछ हिंदू संगठन थे जिन्होंने पाकिस्तान को बनाने में सहमति दिखाई थी। वीर सावरकर ने टू नेशन थ्योरी दी थी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसे 1942 में संसद में लेकर पेश किया। माउंटबेटन भी पाकिस्तान बनाने के कुछ ज्यादा हक में नहीं दिख रहे थे, लेकिन इतने कत्लेआम देखकर उन्होंने मुस्लिम लीग का समर्थन किया। कांग्रेस अंत तक पाकिस्तान बनने के खिलाफ थी, लेकिन हालातों को देखकर कांग्रेस को भी मानना पड़ा। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और भारत को पहला प्रधानमंत्री मिला। वल्लभ भाई पटेल को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बनाया गया। नेहरू की कैबिनेट में सिर्फ कांग्रेसियों को ही नहीं रखा, उन्होंने ऐसे लोगों को भी जगह दी जिन्होंने हमेशा उनकी राजनीति का विरोध किया, जिनमें से सबसे बड़ा नाम है B.R. अंबेडकर का। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि हिंदू महासभा के सदस्य थे, उनको भी नेहरू की कैबिनेट में जगह मिली। नेहरू को विरासत में भूखा नंगा देश मिला था। उनकी दूरदर्शी सोच ही भारत की रीढ़ की हड्डी बनी। उस वक्त भारत में एवरेज लाइफ 31 साल थी, विकास दर 0 से भी नीचे था, 80% लोग 2 समय का खाना भी नहीं जुटा पाते थे, 15% लोग लिखना जानते थे और 20% लोग पढ़ना जानते थे, 90% चीजें बाहर से इंपोर्ट होती थी, एक सुई तक नहीं बनती थी इस देश में, और ऐसा माना जाता था कि भारत जल्दी ही कलैप्स कर जाएगा। नेहरू को बहुत जल्दी ही बहुत कुछ करना था। 200 करोड़ के मालिक जवाहरलाल नेहरू ने 1996 करोड़ इस देश को दान कर दिया। पैदावार बढ़ाने और बिजली उत्पादन के लिए भाखड़ा नंगल, हीराकुड और नागार्जुन जैसे डैम बनाए। उद्योगों के लिए दुर्गापुर, भिलाई, रौरकेला में प्लांट लगवाए। IIT, IIM, NIT, CSIR और एम्स बनाया। नॉन अलाइन मूवमेंट बनाकर भारत को पूरे विश्व में पहचान दिलाई। फॉरेन पॉलिसी के सबसे बड़े जानकार माने जाते थे जवाहर। उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें कनाडा, सोवियत संघ, यूरोप सब ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने के लिए भारत की मदद की।
नेहरू सिर्फ भारत की आजादी की बात नहीं करते थे, वो पूरे विश्व की आजादी चाहते थे। 1960 के दशक तक यूरोपियन कॉलोनियाज आजाद होती रही और नेहरू का उसमें खास योगदान रहा। नेहरू ने हमें आजादी दिलवाई नहीं बल्कि आजादी दी। भारत को डेमोक्रेसी दी, फ्रीडम ऑफ स्पीच दी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया, वोट देने का अधिकार दिया, धर्मों के नाम पर, जात के नाम पर बांटना खत्म किया, आदमी और औरत को एक बराबर रखा। जिन अधिकारों के लिए विकसित देशों ने बार बार लड़ना पड़ा था, वो सब हमें बैठे बिठाए मिल गया। सबसे बढ़कर नेहरू ने मल्टी पार्टी सिस्टम बनाया। वो चाहते तो वन पार्टी सिस्टम बनाकर सभी पॉलिटिकल पार्टीज का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देते, लेकिन नहीं, उन्होंने सबको बराबर का अधिकार दिया। नेहरू 17 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। नेहरू सिर्फ भारत के नहीं विश्व के बड़े लीडर्स में से थे। थर्ड वर्ल्ड कंट्री का ये नेता जब यूनाइटेड नेशन में बोलता था तो उसे पूरा विश्व सुनता था। 27 मई 1964 को नेहरू की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। 20 लाख से ज्यादा लोग उनके आखिरी दर्शन के लिए आए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, आधुनिक भारत के निर्माता नहीं रहे। गांधी जी ने नेहरू के बारे में कहा था कि उनसे ज्यादा हिम्मत वाला कोई नहीं। देश प्रेम में उनसे आगे कौन हो सकता है? वह एक योद्धा है, तेज तर्रार योद्धा। और जहां वो एक योद्धा है, वहीं नेहरू एक स्टेट्समैन भी हैं।